एक्टर राम कपूर इन दिनों अनुपमा शो में एंट्री को लेकर काफी लाइमलाइट में बने हुए हैं। जी हां, खबरें सामने आई हैं कि एक्टर राम कपूर राजन शाही के इस शो में अनुपमा का लव इंटरेस्ट बनकर नजर आएंगे। वेल, शो में राम को देखने के लिए ऑडियंस भी काफी खुश नजर आ रही है। लेकिन आज हम आपको राम कपूर की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे उन्हें टीवी इंडस्ट्री में आने का मौका मिला था, कैसे उनके हाथ लगा था पहला शो और किन किन टीवी शोज की वजह से वो बन पाए सुपरस्टार। 1 सितंबर 1973 को राम का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था, लेकिन उनका होम टाउन उसी महाराष्ट्र में है। राम ने अपना स्कूल किया स्कॉटिश हाई स्कूल मुंबई और कोडीकानल इंटरनेशनल स्कूल तमिलनाडु से। इसके बाद राम ग्रेजुएशन के लिए नैनीताल गए। आपको बता दें कि राम कपूर के पिता अनिल कपूर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए राम ने कड़ी मेहनत की। राम ने एक बेहतर एक्टर बनने के लिए एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, जहां वो 2 साल तक रहे। एक्टिंग स्किल्स पर काम करने के बाद एक दिन उन्हें डायरेक्टर सुधीर मिश्रा की तरफ से एक फिल्म के लिए कॉल आया, लेकिन बाद में वो फिल्म बंद हो गई। लेकिन इसके कुछ ही वक्त बाद डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने राम को एक बार फिर से कॉल किया, लेकिन इस बार किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि टीवी शो के लिए। ये शो था साल 1999 में आया शो न्याय। हालांकि इस शो से पहले राम 1998 में हीना और संघर्ष में काम कर चुके थे, लेकिन इस शो से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। टीवी पर साल 1998 से अपने सफर को शुरू करने वाले राम ने लगातार हर साल कोई ना कोई शो जरूर किया, जिसमें घर एक मंदिर, कभी आए न जुदाई, रिश्ते, आवाज दिल से दिल तक, कहता है दिल, धड़कन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्या हुआ तेरा वादा, दिल की बातें, दिल ही जाने समेत ढेरों शोज शामिल हैं। लेकिन साल 2006 में आया शो कसम से में जय उदय वालिया के किरदार से राम कपूर काफी फेमस हुए थे। इसके अलावा साल 2011 में आए शो बड़े अच्छे लगते हैं में राम के किरदार में भी उन्हें खूब वाहवाही मिली। इस शो में राम के अपोजिट एक्टर साक्षी तंवर नजर आई थी और 2014 तक शो लोगों को एंटरटेन करता रहा था। सिर्फ टीवी शोज ही नहीं बल्कि राम कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जिसमें उड़ान, एजेंट विनोद, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मेरे डैड की मारुति, कुछ कुछ लोचा है, हमशक्ल्स, शादी के साइड इफेक्ट्स समेत तकरीबन 27 फिल्में शामिल हैं। फिल्म राम कपूर की एक्टिंग की जर्नी काफी दिलचस्प रही है। उन्होंने एक एक किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से निभाया है कि उनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है बॉस।